आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। बागमाना विधायक मजदूरों का दर्द जानकर पहुंचे चिरकुंडा सुंदरनगर स्थित नटराज कंपनी, जहां मजदूरों ने ढुल्लू महतो के गले में पुष्पहार डालकर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, सुंदरनगर स्थित नटराज कंपनी के मजदूर अपनी मूलभूत मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मजदूरों के समर्थन में बागमाना विधायक आने से मजदूरों के आंदोलन को काफी बल मिला। मौके पर मजदूरों ने विधायक को अपनी व्यथा को बताते हुए कहा कि पिछले कई दशकों से हम लोग यहां मजदूरी कर रहे हैं, पर अब तक मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नटराज कंपनी में लगभग 800 मजदूरों से बैल की तरह जबरन काम लिया जा रहा है। नटराज प्रबंधक मजदूर एक्ट के नियमों को ताक पर रखकर 12 घंटे से अधिक बिना किसी सुरक्षा अंगारों के बीच जबरन काम ले रखा है, वह भी इस महंगाई में 250 रुपये मजदूरी देकर। ना ESI है, ना PF, ना इन मजदूरों को दिया गया है गेट पास। अगर हम में से कोई अपने हक और अधिकार की बात करता है तो इसे काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है। वहीं मजदूरों के समर्थन में पहुंचे बागमाना विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि नटराज प्रबंधक को हर कीमत पर मजदूरों को उनका हक और अधिकार देना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन होगा। निरसा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, चिरकुंडा में जो बहुत लंबे समय से नटराज कंपनी जो स्थापित हुआ है, उस समय से लगातार आज तक उस कंपनी के प्रबंधन द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण किया जा रहा है। आज बहुत लंबे समय के बाद मजदूर वहां पे अपने हक अधिकार की आवाज उठाई है और एकदम जेन्युइन आवाज, जेन्युइन हक अधिकार का बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि ना वहां पे आइडेंटिटी कार्ड दिया है, ना उसका PF कट रहा है, ना उसका कोई परिचय पत्र है, ना कोई वहां पे उसको मेडिकल सुविधा मिल रहा है। तो ये सब तो अन्याय है और अन्याय के खिलाफ आज मजदूर आवाज उठाया है, मजदूर को साथ देने के लिए आए हैं। और ये जिला प्रशासन, राज्य सरकार को सूचित भी कर दिया गया है कि जिस तरह से आज बहुत लंबे समय से मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। और वहां के प्रबंधन द्वारा जिस तरह से मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है, अगर कोई अपना आवाज उठाता तो उसको केस में फंसा दिया जाता है, जेल भिजवा दिया जाता है, तो ये अंधा कानून नहीं चलेगा। आगे किस तरह की लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं? मतलब ये 12 घंटा उसका ड्यूटी लिया जाता है, जिसका 8 घंटा प्रावधान है नियम के आधार पर, उसको 8 घंटा ड्यूटी लेना है, मगर उसको 12 घंटा किया जाए। अगर प्रबंधन और जिला प्रशासन इसका निराकरण निकाले, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा, यहाँ से एक सवाल है बल्लू जी आपसे, क्योंकि आप भाजपा के बहुत मजबूत सिपाही माने जाते हैं, ठीक है? केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, रात के मतलब भारत के प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। जो आज आपने स्थिति देखा, चाहे नेहरू रोड मोड़ में हो या आपके यहाँ पे जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जबकि 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक आयोजन हो या आपका राजनीतिक आयोजन हो, उसमें 100 लोगों के मतलब शामिल होने की जरूरत थी, लेकिन आज जो देखा गया, जो स्थिति थी, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ाई गई? नहीं, हमने वहां सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही वहां पे हर कार्य को करने का प्रयास किया, मगर लोग अपने आप वहां पे हुजूम हो गए, जुट गए लोग। हमने तो बराबर वहां पे देखा, कुर्सी चेयर भी जो लगा था एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही लगा था, और वहां सारे लोगों को एक आग्रह किया गया था कि सभी लोग मास्क लगा के आए, और सभी लोग मास्क लगा के भी आए थे। तो हम लोग इस मकसद से कोई भी काम नहीं किया, लोग हो सके वहां पे हमसे मिलने के लिए, आने के लिए लोग वहां पे खड़े हो गए रोड पर, मगर हम लोगों ने कानून के पालन करते हुए हम लोग हर कार्य को करते हैं। धन्यवाद।